बावलोक द रिंग्स ऑफ पावर वेब शो में एक बंदे ने बड़ा धमाका मचा रखा है, जिसका जिक्र पहले कभी इतना नहीं सुना। इसने पूरे रेगियन की मैया पलोत करके रखी है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अडार। आज बात करते हैं कौन है आखिर यह बंदा। बावलोक अडार को मोरिएंडर माना जाता है, और ऐसे 13 एल्व्स थे जिन्हें मॉर्गोथ ने उठाया था, देन करप्ट करके मोरिएंडर बनाया था। तो ये उनमें से एक है, जिसका मतलब होता है या तो ये फर्स्ट ऑक होगा या फिर जन्म इसका एल्व्स के रूप में हुआ है और बाद में ये फर्स्ट ऑक में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी खोज गैलेड्रियल के द्वारा करी गई है। और फर्स्ट टाइम अमेजॉन स्टूडियोज ने इसे एड्रेस किया है अपने वेब शो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर में। तो बाबू लोग, फर्स्ट स्टेज में जब मॉर्गोथ अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, तब उसने बहुत लोगों को टॉर्चर और इन्फेक्ट किया था। जैसे उसने बैलरॉक्स बनाया जो कि मायार थे एज लाइक स्टार, और उनमें से कुछ एल्व्स को भी उठाया। तो अडार उनमें से ही एक होगा जिसे मॉर्गोथ ने काफी तड़पाया है टॉर्चर करके, साथ ही ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इसे मोरिएंडर बना दिया होगा जो फर्स्ट ऑक्स होगा। उसके बाद उसे एक लीडर के रूप में उभारा होगा और इसने अपनी पूरी नई आर्मी तैयार करी होगी जो ऑक्स की होगी। देन उसके बाद सेकेंड एज में ऑक्स का रीओरिजन हुआ, तब अडार को उनका लीडर देखा गया, लेकिन सौरॉन जितना पावरफुल नहीं हो पाया होगा। तभी हमने देखा कि सेकेंड सीजन स्टार्ट होते ही जब सौरॉन मॉर्गोथ का डाउनफॉल के बाद खुद डार्क लॉर्ड बनना चाह रहा था, लेकिन उसके पास ऑक्स का सपोर्ट नहीं था क्योंकि ऑक्स पहले ही जंग लड़कर थक चुके थे। अब उन्हें और जंग नहीं चाहिए थी, और सौरॉन भी मॉर्गोथ की तरह ही माइंडसेट रखता था। उसे बस ऑक्स की मैन पावर का इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं, बस इतना ही। इसलिए अडार ने ऑक्स के साथ मिलकर सौरॉन को ही पेल दिया था, यानी उसे एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन अडार ऑक्स को अपना परिवार, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उन्हें समझता है, उनकी फीलिंग्स को भी, उनके दर्द और उनकी पीड़ा को भी समझता है, जो हमने तब देखा जब फर्स्ट सीजन में एरोंडीर और उसके कुछ साथियों और हेड इंचार्ज को ऑक्स बंदी बनाकर उनसे सुरंग खुदवा रहे थे। तब एरोंडीर और उसके साथियों के द्वारा रेबल में ऑक्स का एक लीडर मारा गया था जिसका नाम उरुक था शायद, और वो दर्द से कराह रहा था। उसके बाद अडार को बुलाया जाता है और वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए मारकर दर्द से मुक्त कर देता है। एंड देन तब फर्स्ट टाइम सारे ऑक्स द्वारा उसके आगे सर झुकाना और लॉर्ड फादर कहकर एड्रेस किया जा रहा था अडार को। मतलब ऑक्स के ऊपर अडार की बहुत सॉलिड पकड़ है, जो हम अभी सीजन 2 के एपिसोड 7 तक देखते भी आ रहे हैं। कितने ही ऑक्स मर रहे हैं, लेकिन तब भी वो अडार की ही बात सुन रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी के साथ सर्व भी कर रहे हैं। जबकि अडार को ऑक्स कमांडर ने पहले भी कहा था कि हमें वॉर की क्या जरूरत है, सौरॉन भी नहीं है तो हम सेफली घर लौटते हैं और हमें आराम करना चाहिए। लेकिन अडार भी उन्हें साउथलैंड लेकर आ गया, और हमें फर्स्ट सीजन में देखा ही तिरहाद विलेज में कैसी तबाही मचाई ऑक्स ने। हालांकि फर्स्ट वॉर में एरोंडीर ने काफी ऑक्स को मार दिया था एल्स आर्मी के ठिकाने में, यानी वॉच टावर ऑफ ऑस्ट्रीथ में उनकी घेराबंदी करके, लेकिन दूसरे हमले में ऑक्स ने एरोंडीर और बाकी गांव वासियों को कब्जे में ले लिया था। तभी न्यूमेनेरियंस आर्मी कमांडर एलिंडील के नेतृत्व में पहुंच गए थे अपनी आर्मी को लेकर, जिन्हें कन्विंस करके ग्लैडियल लेकर आई थी, और वहां त्रिहाद में फर्स्ट टाइम ग्लैडियल की मीटिंग अडार से होती है और उससे बातचीत करती है। तब वो वहां से उसे बताता है कि ऑक्स ना मॉर्गोथ के लिए लड़ रहे हैं इस टाइम, ना सौरॉन के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि उसने ये भी कहा कि सौरॉन को उसने मार दिया था और हमें बस आजाद होना है, हमें कोई लीडर नहीं चाहिए। ग्लैडियल यकीन नहीं करती उस पर। देन तभी वॉल्ड्रॉग नाम का एक बुड्ढा मॉर्गोथ की तलवार से पानी का बांध तोड़ता है, देन ज्वालामुखी फूटता है, और उसके बाद वो तबाही हमने देखी। उसके बाद साउथलैंड में ऑक्स का कब्जा हो गया था, क्योंकि वहां से न्यूमेनेरियंस भी चले गए थे और जो बाकी के बचे इंसान थे वो भी चले गए थे। उसके बाद वो सीजन 2 में एरेगियन इसलिए आया है क्योंकि उसे सौरॉन को मारना है, ताकि वो रिंग्स की मदद से पावरफुल बनकर दोबारा ऑक्स और उस पर कंट्रोल ना कर पाए। और इस बार कंट्रोल कर लिया तो बहुत बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर भी करेगा और ट्रीट भी करेगा, क्योंकि उसने वो टॉर्चर मॉर्गोथ के टाइम पर झेला है, किसने, अडार ने, और वो दोबारा से वही मंजर वही पल नहीं चाहता है। बाकी शो में हम देख ही रहे हैं बाबा, अडार काफी पावरफुल दिख रहा है, जिसने लगभग गिलगैलेड और एलरॉन की एल्स आर्मी को पेल ही दिया है। अगर ड्वार्वन आर्मी नहीं पहुंची टाइम पर तो ये सबको मार ही देंगे। जिसने एरोंडीर को भी तलवार घोंप दी है, अब वो मरेगा या नहीं मरेगा वो एपिसोड 8 में पता चलेगा, यानी 3rd October को, 2 दिन बाद। बाकी अडार की आगे क्या कहानी होती है देखते हैं। कहीं सौरॉन से इसका 1-on-1 बैटल हो गई तो सौरॉन इसे पेल भी सकता है, और इस सीजन में इसका दी एंड भी हो सकता है। खैर देखते हैं बाबा, एपिसोड 8 बहुत कुछ लेकर गया है। खैर अडार बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इतने जल्दी इसे खत्म नहीं करा जाएगा। बाकी इसका और कहीं भी मेंशन नहीं है, बस अमेजॉन स्टूडियोज ने अपने द लॉर्ड ऑफ रिंग द रिंग्स ऑफ पावर में फर्स्ट टाइम अडार को एड्रेस किया है, इतना ही देखने को मिला है। बाकी इससे जुड़ी और भी कोई बातें तुम्हें पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। कुछ गलती हुई तो उसके लिए सॉरी बाबा पहले से ही। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं भाई, जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करो और सपोर्ट बनाए रखो बाबा, क्योंकि लाइक मिलता है तो इंस्पिरेशन मिलता है, और इंस्पिरेशन मिलता है तो काम करने में मजा ही अलग होता है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।